गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। सर्दियों में धूप लेने का तो मज़ा ही अलग है ना, मज़ा आ जाता है धूप में खड़े होके। लेकिन बहुत सारे काम रह रहे हैं मेरे। अभी अक्षय की जो शॉपिंग कर ली है बहुत सारी हो गई है, तो अब ना बजट से बाहर जाता जा रहा है सब कुछ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो कॉकटेल की ड्रेस है ना, वो मैं स्क्रैच से बनाऊँ। तो अब मैंने एक डिज़ाइन पसंद किया जो वैसे मार्केट में बहुत कॉस्टली है, तो अब मैं जा रही हूँ चांदनी चौक उसके लिए एक स्टफ ढूंढने। अगर वो स्टफ मिल जाता है तो हम वो वीडियो आपके साथ भी शेयर करेंगे। डिज़ाइनर वो बनेगा और कम पैसों में, तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे पूरी वीडियो में। तो ये वो आउटफिट है जो मैं बनवाने की सोच रही हूँ और इसकी कॉस्ट है 10,500। तो मेरी कोशिश है कि इसको बहुत रिजनेबल प्राइस में बनवा लिया जाए। तो आज मैं जा रही हूँ चांदनी चौक और वहाँ जाके देखते हैं कि हमें कौन सा स्टफ़ मिलता है, सेम टू सेम स्टफ़ मिलता है कि नहीं मिलता। तो आज हम जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए और जाकर देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक और हम जा रहे हैं अब आगे नई सड़क पे। तो अब उसके लिए हमने रिक्शा किया है, यहाँ पे रिक्शा 20 रुपये सवारी लेता है। और अब हम नई सड़क पे पहुंचते हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं कि क्या कहते हैं हमें स्टफ़ कहाँ मिलता है, तो आपको भी दिखाते हैं। तो स्टे ट्यून। मैं पहले के कंपैरेटिवली जब हम पिछली बार आए थे तो बहुत रश था, आज ऑड इवन है तो इसी वजह से रश भी यहाँ पर कम है। आजकल एक शॉप खुल रही है और साथ में दूसरी शॉप नहीं खुल रही, ऑड इवन चल रहा है दिल्ली में। अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। आज थोड़ा धूप तो निकली है लेकिन ठंड भी बहुत है। स्टॉप लेने के लिए जो हमें चाहिए पूछते हैं इनसे कि इनके पास है कि नहीं है। जो प्लीट्स में यही कलर है बस, कलर मिल जाएंगे 5-6-3-4 कलर। ब्राइट क्यों? ये कलर है, ये सब कलर है, ये इसी के कलर, कलर है सारे इसी कलर से, ये भी इसी के कलर है। एक इसमें ब्लू निकालना, ये वाला इधर ब्लू, इस वाले में साथ वाले में ये वाला, हाँ ये रॉयल ब्लू सर, नेवी ब्लू, ये कलर है, ये देखना। इसमें थोड़ा डार्क में भी है कोई कलर, डल आ रहा है इसमें लुक, क्योंकि हमें चाहिए लहंगे देखेंगे डिजाइन में, वेडिंग गाउन में नहीं होगा। ये बेटर लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा ग्लिटरी लग रहा था। तो अब हम इसके साथ ब्रोकेट की पैंट भी लेंगे, तो उसका भी स्टफ देखते हैं किसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कौन सा ये कैसे मीटर, ये देखो इधर देखा, 4 मीटर ये कट गया, ठीक है। और ये कितना पैंट के लिए कितना चाहिए होता है आपके लिए? हाँ 2.5 और ये है 450। क्या बात है, मैं सस्ते वाला लेके जाती हूँ। कहाँ ये प्योर सस्ता वाला सामने? अच्छा ये प्योर वाला सस्ता दिखाओ पहले, फिर नहीं तो ये लेंगे। रूम इतना ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये तो अटपटा सा लग रहा है। ये चीज अलग कर लो ना फिर कोई, क्या कंट्रास्ट में देख लो कोई, ये जाएगा। ये वाला नीचे वाला ब्लू निकालना भैया, ये ब्लू, हाँ ये देख, ये शायद मैं पहले लेके भी गई थी याद है। एकदम डल कर देगा उसको,
ठीक है भैया, रहने दो, आप भी टाइम वेस्ट मत करो। ये ड्रेसेस भी आई हुई है क्या? हमने लिया 2.25 मीटर तो लिया है पैंट का कपड़ा जो हमें 1065 का हमें पैंट का कपड़ा पड़ा है। और दूसरा है हमारे पास ब्लू वाला स्टफ, इसका हमें 800 रुपए में 4 मीटर पड़ा है, मतलब 200 रुपए मीटर, 4 मीटर 250 रुपए मीटर है ना? नहीं 250। कुछ हमें ड्रेस के लिए वो चाहिए था पैच, तो वो भी देखने आए हैं हम यहाँ पे ही है प्राचल वाली गली। चलो जी, हो गई है शॉपिंग और अब हम फटाफट से निकल रहे हैं घर की तरफ। फिर कल जाके देंगे डिज़ाइनर को ये ड्रेस, तो कल जाते हैं वहाँ पे, तो अब जाके बाहर देखते हैं ऑटो वगैरह मिलता है तो ऑटो करते हैं। तो अब मॉर्निंग में हम जा रहे हैं अब डिज़ाइनर के पास क्लॉथ देने, क्योंकि अब वो जो आउटफिट रेडी होना है और फटाफट से उसे रेडी करा लें, क्योंकि अब शादी का टाइम भी नज़दीक आता जा रहा है। तो वो कह रही हैं कि मेरे पास भी अब आगे टाइम नहीं होगा डिज़ाइन करने के लिए, तो आप जितना जल्दी हो सके मुझे दे जाइए। तो आज मैं देने जा रही हूँ, फिर वहाँ जाके उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कितने पैसे लगेंगे, क्या रहेगा उसका स्टिचिंग वगैरह, तो फिर आपको भी वहीं जाके बताते हैं। और वो बोल रही है कि 4-5 दिन या 1 हफ्ता लग सकता है, तो बनता है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसा बना है वो आउटफिट।